स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। पहले हमने लेक्चर दिया था कि भाई जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसे होता है। अच्छा, पॉलीनोमियल के केस में आपने पढ़ा है कि पॉलीनोमियल जो है डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, कोई भी जो टर्म्स है, जो एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स है, मान लो एक्सप्रेशन है 5x² प्लस 3x प्लस 1, या मान लीजिए 7x प्लस 6। अब ये जो है पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है अलग अलग मान लीजिए, तो इस पॉलीनोमियल के अंदर देखिए अलग अलग पॉलीनोमियल में जो टर्म्स है वो उसकी जो डिग्री है वो अलग अलग है। यहाँ पे 1 है, इस केस में मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इस तरह के पॉलीनोमियल को हमने पढ़ा था कि ये है आपका लीनियर पॉलीनोमियल बोला जाएगा, बिकॉज इसकी अगर हम ग्राफ प्लॉटिंग करें दैट विल कम एज ए लीनियर लाइन। और इसकी केस में अगर देखें तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बिकॉज इसकी जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में उसका ग्राफ कहीं ना कहीं हाइपरबोला टाइप का होगा, एक पैराबोलिक होगा, हाइपरबोला हाफ पैराबोला, ठीक है, हाइपरबोला इज द हाफ पैराबोला। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह की जो भी आपका पॉलीनोमियल है उसको हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, बेसिकली ये मोनो वेरिएबल फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन के अंदर हमारे पास कोई भी एक टर्म्स दिया है, मान लीजिए 5x² प्लस 6x प्लस 1। अब ये एक पॉलीनोमियल है, इसकी अगर रूट निकालने चाहे कि रूट क्या होता है, रूट ये होता है कि मान लो ये एक फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन और वाई यू कैन से लाइक दिस, अगर फंक्शन है दोनों बराबर है तो उस केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसकी जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है वो वाई की कौन सी वैल्यू हो सकती है एक्स के पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर, यानी वो वाई को जाके कहां मीट करेगा, वाई को कहां मीट करेगा। वाई अगर जीरो है, वाई जीरो मीन्स इस लाइन के अंदर वाई, ये सारी लाइन में एक्स लाइन के अंदर ये सारे वाई जीरो, एक्स लाइन मतलब क्या हो गया, दिस इज वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जो है वाई इक्वल टू जीरो। अब वाई जब जीरो हो जाए, यानी दिस इफ इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स की जो रूट है, एक्स कहाँ टच करेगा, सपोज दिस इज ए, दिस बिकम्स ए सपोज ग्राफ फॉर दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन के अंदर वो कहाँ आपको टच करेगा, दिस विल बी द रूट, दिस विल मे बी x1, दिस विल बी मे बी x2, तो इस x1 x2 में कहाँ वो टच करेगा ये उसकी रूट कहलाएगा, ठीक है। समझिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो है ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि वाई और जब जीरो है इन एक्स लाइन, दैट मीन्स इन एक्स लाइन में ये वाई फंक्शन वो कहाँ टच कर रहा है, वो उसका रूट है, कहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स लाइन को, एक्स एक्सिस को, वो उसका रूट है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसी एक्सप्रेशन को अब एल्जेब्रिक टर्म में हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं वो हम चेक करें। पहले तो कुछ टर्म्स ऐसे आपको दे सकता है, कुछ फंक्शन ऐसे दे सकता है जहां पे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं कि आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सपोज वन फंक्शन वुड बी लाइक दिस कि भाई एक टर्म्स है एक्स प्लस वन होल इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 5x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको बोला भैया ये जो है एक्सप्रेशन है, लेट इट चेक वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करके आप देख ले, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 1। सो इस केस में देखिए आप अरेंजमेंट कर लीजिए, तो दिस विल बी 4x²
then minus 5x plus x minus 4x, then this is minus x come to this side, so this is, या तो x काट दो तो इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x, देन इसको इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस सैटिस्फाई, बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम पावर है, दिस x का मैक्सिमम पावर है 2 है, तो इट कुड बी सैटिस्फाई एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा केस में मैं आप बोलता हूँ यहाँ पे ये वाला टर्म था, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था इस तरह की था, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, लेट्स चेक इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अब देखिए फिर दोबारा लिखें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर काटोगे तो अभी कितना रह गया यहाँ पे, x x भी काटा हो जाता है तो इधर आ जाता है, मान लीजिए तो 2x इसको हम इधर ले जाते हैं 2x माइनस x और इधर ले जाते हैं 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, दिस इज बिकॉज दी x का जो मैक्सिमम डिग्री है दिस इज 1, सो दिस इज मैक्सिमम जो पॉलीनोमियल की डिग्री है वेरिएबल का ये 1 है, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर फंक्शन, दिस इज लीनियर फंक्शन और लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब हम कोई भी जो पहले एग्जांपल लिया था उसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको रूट कैसे निकाला जाए एल्जेब्रिक टर्म में, पहले तो मैं ग्राफिकल मेथड में बता दिया कि ग्राफिकल मेथड में कैसे होगा। अब एल्जेब्रिक टर्म्स में इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दो रूट निकालने के लिए, दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो देयर वुड बी टू मेथड्स, वन इज द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जैसे आप पुराने क्लास 9 में पढ़ के आए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मींस इसको आप फैक्टराइज करें, इसको फैक्टराइज करें कि उसको कैसे हो सकता है, सो दिस कुड बी, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, सो दिस टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स एंड x का x स्क्वायर की कोफिशिएंट इसकी दोनों की जो है इसको मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 5 इनटू 1, ओके, सो 5, सो अब देखिए ये दोनों को ऐड सबट्रैक्ट करके क्या हम इसकी जो x की कोफिशिएंट है उसको हमें मिल सकता है, लेट्स चेक, सो दिस इज 6, सो दिस इज 5, सो हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, दिस इज 5 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस व्हाट, यू कैन ब्रेक इट इनटू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यू कैन टेक कॉमन 5x होल इनटू x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इज 5x प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, either, so in this case either 5x plus 1 equal to 0 or x plus 1 equal to 0, क्योंकि ये दोनों के product जो है 0, either this will be 0 or that will be 0, so in that case what will happen, x equal to 1 over minus 1 over 5, और इस केस में क्या होगा, x equal to minus 1, तो अब देखिए इसमें दो रूट निकल गए, यानी x एक्सिस के साथ माइनस 1/5 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, और इसको जो है माइनस 1 यहाँ पे टच कर रहा है, माइनस 1 यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कहने का मतलब जो ये हाइपरबोलिक ग्राफ है इस तरह की कुछ यहाँ पे थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में प्ले कर रहा है, ठीक है। अब मिडिल टर्म के केस में बहुत सारे आपने सॉल्व किया, एक आध और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बुक से चाहे ले लें, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब मैं फंक्शन को उठा देता हूं, सोच रहा हूं कि भाई ये एक्सप्रेशन ही है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन माइनस टू इक्वल टू जीरो। आप इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करें तो इसको आप देखिए, हमने जैसे बोला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ दिस x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट, और दिस इज 6 * 2 = 12, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 * 3 = also 12 एंड minus 4 + 3 = -1, दिस इज माइनस, सो नथिंग इज देयर मींस 1,
So this is, you can write it like 6x square plus 3x minus 4x, because this is minus x, minus 2 equal to 0. You can write like this. So common ले लीजिए 6, common ले लीजिए 3x. 3x अगर कॉमन लेते हैं फिर आपको यहाँ पे मिलता है 2x, then plus 1, then यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेते हैं then this is 2x plus 1 equal to 0. That means 3x minus 2 and 2x plus 1 equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया either 3x minus 2 equal to 0 or 2x plus 1 equal to 0. So in that case x equal to 2 over 3 and this case x equal to minus 1 over 3. ठीक है, ऐसे हो सकता है. अब ये algebraic term है, हमने देख लिया. अब इसके दूसरे हिसाब से भी एक और method है, completing square method. वो आप देखेंगे कि इसी को हम a plus b whole square formula लगा के, जो हमने a plus b whole square की formula पढ़ के आया था class 7-8 के अंदर, तो उसको हम कैसे करें इसका use, ये भी कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी जगह में मिडिल टर्म्स के ऐसे ऐसे नंबर देता है, आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है मिडिल टर्म करने के लिए. मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसा कोई टर्म देता हूँ जहाँ पे लगेगा ये थोड़ा टफ है, फ्रैक्शनल नंबर जहाँ पे स्पेशली आएगा. मान लीजिए कोई भी एग्जांपल मैं ऐसे उठाता हूँ, आपको कर सकते हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट इनिशियली लगेगा इट्स वेरी टफ एंड यू हैव टू ब्रेक द एलसीएम्स. लाइक इसने दे दिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. अब देखिए, अब या तो 528 को आप एलसीएम करते रहिए. तो इस चीज के लिए एक वन सिंपलीफाई मेथड, देयर कुड बी वन मेथड अदर मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट. तो इसको हम उस तरह की करेंगे. अब हम छोटा सा एग्जांपल के साथ पहले चलेंगे, इसको बाद में लेते हैं, फिर दोबारा हम पुराने वाला जो भी एग्जांपल है, मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड 5 इक्वल टू 0. मान लो ये एक एग्जांपल है, इसके एक्सप्रेशन है. अब इसको हम स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड पे चल सकते हैं, इससे भी छोटा ले लेते हैं. लेट्स टेक अदर स्मॉल वन, चलो इसी को ले लेते हैं. ठीक है, इस केस में देखिए अब हम क्या करेंगे. यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2x होल स्क्वायर. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको जो है ये टर्म्स के अंदर हम ऐसे एक फाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर कैसे हो सकता है. ठीक है, तो a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हम इसको a स्क्वायर, a इसको a स्क्वायर मान लेते हैं, दिस कुड बी टेकन एज a स्क्वायर कंसीडर. ठीक है, ये a स्क्वायर मान लेता हूं. सो अब क्या मेरे को ढूंढना पड़ेगा 2ab. नाउ 2 मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 2x, ओके 2x. आप देखिए यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, 3 चाहिए. तो 3 चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, ना अगेन 3 ले लेते हैं, बट यहाँ पे आपने 4 ज़्यादा ले लिया, 2 2, सो दिस विल बी 3/4 हमको लेना पड़ेगा. एंड वी हैव टू ट्रीट नाउ दिस 3/4 एज ए बी. नाउ यू विल टेक इट एज ए बी, ये तो ये मिल गया, सो दिस इज 2ab हो गया. ओके, नाउ दिस विल बी बी, सो माइनस प्लस बी स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा. सो दिस इज 3/4. हम इंटेंशनली ले रहे हैं इसको इस फॉर्मूला में लाने के लिए. तो ये हो गया b, इन आवर केस दिस बिकम्स b नाउ, सो प्लस बी स्क्वायर. नाउ प्लस बी स्क्वायर अगर है, हमें ऐड करना था, अब सबट्रैक्ट भी करेंगे. तो ये हो गया, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, अगेन एडिशन जब किया फिर सबट्रैक्ट भी कर लेते हैं, बिकॉज ओरिजिनली इस टर्म को यहाँ पे था नहीं. सो माइनस 3/4 होल स्क्वायर, देन दिस इज देयर ओनली, 5 तो था ही था, सो दिस बिकम्स 0 नाउ. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये बिस्कर हो गया, ये माइनस बिस्कर कर लिया, प्लस बिस्कर माइनस बिस्कर काट गया. ठीक है, और ये जैसे कि तैसे कॉन्स्टेंट टर्म्स था. ठीक है, ओके, चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते कैसे होगा. सो दिस बिकम्स, यहां से यहां तक अब क्या हो गया, दिस बिकम्स नाउ 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस this could be now, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, this is 9/16 plus 5 equal to 0, okay? और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो
So 2x plus 3 over 4 whole square equal to, आप एक लिखिए यहाँ पे कर लेते हैं, so this is 9 over 16 minus 5, 9 over 16 over 5 ये जब इधर जाएगा, नाइन ओवर सिक्सटीन माइनस फाइव इधर जाएगा, तो ये कितना हो गया, नाइन माइनस एट्टी ओवर फाइव, ठीक है, सो दिस इज माइनस सेवेंटी वन फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा कंडीशन निकल के आया है इवेंचुअली कि आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सो अवर टू एक्स प्लस थ्री ओवर फोर होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखिए कोई स्क्वायर नंबर क्या माइनस हो सकता है, एनी स्क्वायर नंबर को भी माइनस, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट रियल, दैट मींस व्हाट एक्चुअली 2x, इसके मतलब अगर माइनस हम मानते हैं 2x ओवर 3 / 4 इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 71 / 5, क्या कोई भी माइनस का हम रूट ले सकते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे, इन दिस केस इट इज नॉट रियल, ठीक है। हायर क्लास में हम पढ़ सकते हैं आर्गन प्लान के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में बता सकते पढ़ेंगे आप, बट इन आवर स्कोप इन 10th क्लास माइनस वन रूट इट कुड नॉट बी पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसके मतलब ये इक्वेशन के अंदर, इसके मतलब इस इक्वेशन के अंदर कोई रूट नहीं है, सो ये नो रूट वाला एक्सप्रेशन और इक्वेशन है, नो रूट वाला। अच्छा, इसी को अब हम करते हैं, कोई और टर्म्स ले लेते हैं, कोई भी एक और टर्म्स ले लो, मान लीजिए 3x square minus 5x plus 2, equal to 0। अब इस प्रश्न को हम completing square method में क्या करेंगे, completing square method, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में यानी स्क्वायर मेथड को कंप्लीट करके a प्लस b उसका फॉर्मूला ले लो, ठीक है। पहले तो हम देखो ये 3x स्क्वायर है, हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये इट इज नॉट ए रूट, आइदर यू कैन से दिस इज 3x होल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इस तरह के ट्रीट कर सकते हैं, या मैं और दूसरे तरीका से बता सकता हूं, पहले 3 से हम डिवाइड करते हैं चारों तरफ, तो इसको क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 ओवर 3x प्लस 2 ओवर 3 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ x स्क्वायर को x पकड़ लें, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x, ठीक है, 2ab, नाउ यू हैव टू फाइंड द b, b कितना हो जाएगा 5 बाई 6, सो दैट इट कैन कम 5 बाई 3, और ये जो था वो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे केस में 5 बाई 6 बिकम्स b नाउ, 5 बाई 6 बिकम्स b नाउ, ठीक है। तो इस b के साथ अब हम इसको b स्क्वायर में भी ले लेंगे, तो दिस इज b स्क्वायर, अगेन वी हैव टू टेक द माइनस b स्क्वायर आल्सो, क्योंकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन में ये क्वांटिटी था ही नहीं, एंड दिस इज 2 / 3 जैसे था ऐसे रह गया, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स x माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया ये, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, a माइनस b होल स्क्वायर, दैट मींस व्हाट, x माइनस 5 / 6 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस बिकम्स, नाउ हम इधर अगर कर लेते हैं 2 / 3 प्लस 25 / 36, ठीक है। अब इसको एलसीएम कर लीजिए, 36 के 36 रह जाएगा, सो दिस बिकम्स नाउ 12 3 सो दिस इज 24 एंड दिस इज 25, दिस इज 49 ओवर 36, और यू कैन राइट x माइनस 5 / 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 49 / 36, दैट मीन 7 / 6 होल स्क्वायर। अब इसकी देखिए, इसके मतलब x माइनस 5 / 6 इक्वल टू रूट ऑफ 7 / 6 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ना, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इन दिस केस दिस कुड बी प्लस और माइनस 7 / 6, क्यों किया ना, कोई भी माइनस नंबर के साथ आइदर माइनस ये होल स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर दैट इज आल्सो ए स्क्वायर, यानी बोथ द केसेस पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव, सो रूट वुड बी, सो ए की रूट अगर हम बोलेंगे, सो रूट ऑफ ए स्क्वायर इट वुड बी प्लस और माइनस ए, ठीक है। तो हम इसकी दो रूट ले लिए, यानी प्लस साइड में भी हो सकता है और माइनस साइड में भी हो सकता है, ठीक है, यानी क्या होगी,
अब इसको हम क्या करेंगे फिर x इक्वल टू प्लस 7/6 वन ऑफ द रूट विल बी देन दिस विल बी दैट साइड 5/6 एंड अनदर विल बी -7/6 प्लस 5/6 दिस बिकम्स 12/6 दिस इज 2 एंड दिस बिकम्स -2/6 दिस इज 1 -1/3 सो दीज आर द रूट टू रूट्स अब इस केस में क्या हुआ इसके मतलब रियल रूट है और रूट है अब इसको जो है ये ऐसे आप स्क्वायर कंप्यूटिंग मेथड में इसको आप कर सकते हैं अब जो है इसको जो है इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये रियल रूट है कि नहीं है ऐसे करके इसको हम देख सकते हैं जस्ट होल्ड ऑन पिक अप वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी बुक्स हम एक और एग्जांपल उठा लेते हैं फिर आसान रहेगा अब इसको हम कोई भी चलो आप एग्जांपल नहीं करेंगे अब इसमें हम कोई भी एक चीज जो है डायरेक्टली एक कॉमन जनरलाइज फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं जनरलाइज फॉर्म में हम कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं और उसको देखते हैं हम कर क्या रहे हैं बेसिकली हम ये कर रहे हैं मान लीजिए कोई भी जनरल इक्वेशन इस तरह की है कोई भी एक जनरल इक्वेशन इस तरह की है कि हम मान लीजिए इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अब ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ देखिए यहां पे x स्क्वायर है यानी x की मैक्सिमम पावर 2 है सो इट इज सैटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन ठीक है तो क्वाड्रेटिक आप एक जनरलाइज फॉर्म लेते हैं अब इसको हम क्या करेंगे देखिए हमने जैसे लास्ट एग्जांपल में बताया था कि अब हम इसको कर लेंगे यहाँ पे ये है या आइदर आई कैन गो फॉर दिस रूट ए एक्स होल स्क्वायर देन गो फॉर दिस एंड टू ब्रेक दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला और आई कैन डू लाइक दिस लेट्स आस डिवाइड दिस टर्म ए विद ऑल द टर्म सो दिस बिकम्स नाउ बी बाई ए लेट इट राइट बिगर वन सो दैट यू कैन सी वेरी वेल एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो ठीक है इसका हम दोनों साइड बोथ साइड वी डिवाइड विद द ए ठीक है अब इसके देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर नाउ वी हैव टू ब्रेक इट इनटू 2ab फॉर्म सो दिस इज 2 नाउ दिस इज एक्स ए इज द एक्स हियर सो दिस इज 2 एंड एक्स ओके देन बी इज हाउ मच हियर यहां पे देखिए b by 2a लेना पड़ेगा सो दैट ओरिजिनल टर्म 2 काट के हमारे b by a रह जाएगा ठीक है सो दिस इज b by 2a देन दिस इज प्लस हमें लेना पड़ेगा b by 2a होल स्क्वायर बिकॉज दिस इज वी हैव टेकन दिस इज एज ए टोटली एज ए b ओके अब इसको फिर माइनस करना पड़ेगा b by 2a होल स्क्वायर बिकॉज ओरिजिनली वो था नहीं प्लस हमारे पास c ओवर a इक्वल टू 0 ये है कन्वर्टेड इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर स्क्वायर की तरफ से कंप्लीट करने के लिए हम इस तरह की इक्वेशन को बना लिए नाउ इट बिकम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए इसको इधर ले जाइए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए हमें राइट साइड में इक्वेशन के राइट साइड में ले गए इसको तो अब इसको देखिए इसको अगर हम एलसीएम करें तो क्या हो जाएगा एलसीएम विल बी फोर स्क्वायर ओनली और इसको हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस इसको कितना आ जाएगा दिस विल बी फोर ए सी ठीक है भाई सब सो दिस बिकम्स नाउ एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू दिस ठीक है अब इसको हम देखिए इसको रीअरेंज करके फिर हम कैसे लिख सकते हैं सो इसका जो रूट होगा नाउ सो दिस रूट विल बी एक्स प्लस बी ओवर टू ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर
यानी कितना हो गया, दिस बिकम्स नाउ प्लस ऑफ माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए बिकॉज बी सी फोर ए स्क्वायर, यानी एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस दिस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी सी इरेज कर लें, फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा ना, एक दो रूट तो होगा, एक हो जाएगा आपका, एक रूट तो हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, और एक रूट हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ठीक है, अब इसको हम इधर ले लेते हैं, सो दिस बिकम्स नाउ माइनस बी बाई टू ए रूट को एक्स को रूट में दिखाने के लिए। ठीक है, एक्स का रूट निकालने के लिए इसको भी इधर ले लें, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये, मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ स्पेस के लिए। सो इसकी जो दो रूट आई है, रूट क्या आया है फिर, इसको आप कॉमन ले लें बिकॉज दीज आर एलसीएम द सेम अगेन, तो इसको हम कॉमन ले लें, तो ये हो गया आपका होल कॉमन टू ए, इसका होल कॉमन, ये भी टू ए होल कॉमन हो गया। ठीक है, तो दिस बिकम आल्सो टू ए, यानी आपका दो रूट देखे तो क्या हो गया, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे कि भाई ये जो दो रूट है ये हो जाता है x इक्वल टू माइनस बी, दोनों केस में माइनस बी है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया इसको कैसे ये आया है, और इस टर्म्स को इसको हम बोलते हैं दिस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटरमाइन करेगा उसके अंदर रूट है कि नहीं है, रियल रूट होगा नहीं होगा क्या है, अब मैं उसको आपको ऊपर भी आ पाऊं। ठीक है, तो ये हो गया एक की जो दो रूट है, वन ऑफ द प्लस अनदर इज द माइनस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डी, बिस्कर माइनस फोर इसी को बोलते हैं डी। नाउ कंसिडर टू टू थ्री केस, अब देखिए मैं दो तीन केस इसी के अंदर बताता हूँ। मान लीजिए हमारे केस में ये टर्म जो है रूट ऑफ बी स्क्वायर, लेट्स से ये जो टर्म्स है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस कुड बी है जीरो, ओके, और इट कुड है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस कुड बी प्लस माइनस एंड जीरो, यानी इस केस में ये जीरो हो जाएगा, तीन केस हो सकता है। ठीक है, तीनों केस में अगर बिस्कर माइनस फोर ए सी प्लस है तो इट्स नॉट ए इशू, प्लस रूट ऑफ प्लस इट विल बी रियल रूट। सो प्लस के केस में आप कोई भी प्लस वैल्यू अगर लेंगे, रूट ऑफ प्लस एनीथिंग, सपोज एनी नंबर, रूट ऑफ सपोज एनी नंबर, सपोज रूट फाइव, सो दिस इज ए रियल नंबर, सो इट हैज द रियल रूट, इसके अंदर रियल रूट बन जाएगा, आपके अंदर रियल रूट आ जाएगा। अब अगर पॉजिटिव बिस्कर माइनस फोर ए सी इक्वल टू पॉजिटिव हो, अगर ये नेगेटिव है तो उस केस में क्या हुआ, नेगेटिव मतलब हो गया माइनस एनी नंबर, सो इट इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है। ठीक है, इस केस में इसके मतलब नो रियल रूट, यानी ये रूट इसकी रियल रूट है ही नहीं। ठीक है, अब तीसरे केस में जब जीरो हो जाए, जीरो की केस में क्या हो जाएगा, जब जीरो है दैट मीन्स द वैल्यू इज ओनली, वैल्यू इज ओनली कॉन्स्टेंट इज जीरो, वैल्यू इज दैट मीन्स माइनस, दिस विल बी एक बी माइनस टू ए विल बी द एक ही रूट रहेगा, और ये रहेगा माइनस बी बाई टू ए, दिस विल बी सिंगल रूट, दिस इज सिंगल रूट, यानी एक्स को एक ही बार वो टच कर रहा है, अगर ग्राफ की तरह बात करें। सो तीनों केस हो सकता है, एक रियल रूट हो सकता है, एक नॉर्मल नो रियल रूट हो सकता है, और एक सिंगल रूट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, अब
अब आप इसके ऊपर कोई भी एक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड हो गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला जैसे आया, ये डिटरमिनेंट अगर माइनस है सो इट विल बी नो रियल रूट, इफ इट इज प्लस है सो इट इज अ रियल रूट। रियल रूट एनी प्लस नंबर रूट ऑफ कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस वन। सो अगर ये जीरो है तो इसके पास ये टर्म्स का कोई वैल्यू नहीं रहता, सो इट इज द सिंगल रूट। ठीक है, अब हम इस जनरलाइज्ड फॉर्म में, हमने लास्ट टाइम ये शुरू में ही आपको एक एग्जांपल कोट किया था, उसको हम रूट निकालते हैं जो हमें टप करके आ रहा था कि भाई इसकी एलसीएम कैसे करें और कितना है इसकी एलसीएम हमें पता नहीं है। लेट इट चेक। होल्ड ऑन, एक नंबर हमने लिया था जहां पे बहुत बड़ा नंबर था और वो मिल नहीं रहा है। हाँ मिल गया, 2x² + x - 528 - 528 = 0। अब देखिए इस केस में, अब ये या तो एलसीएम करते जाए 528 मिडिल टर्म क्लासिफिकेशन के लिए, 528 फिर एलसीएम करो, फिर एलसीएम करो, फिर एलसीएम करो, क्यों करें भाई? हमने जब सीख लिया स्क्वायर कंप्यूटिंग मेथड में, तो वी कैन डू गो फॉर डायरेक्टली दैट दिस इज x² + ½x - 528 = 0। या आप इसको भी छोड़ दीजिए, हमने क्या बोला था कि इस टर्म्स के अंदर आप देखिए, इस टर्म्स के अंदर ये कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर की जो पावर है, सो ए इक्वल टू इन दिस एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू कुछ नहीं है, दिस इज मींस 1 बिकॉज दिस इज प्लस 1 एंड सी इक्वल टू -20 - 528 = -528। ओके, -528। ठीक है, अब हमने देखा था कि इसके अंदर जो रूट आएगी, रूट क्या था, मैं x = x = ± b ± √(b² - 4ac)/2a। दो रूट रहेगा, -b + √(b² - 4ac)/2a एंड अनदर रूट विल बी -b - √(b² - 4ac)/2a। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी हियर। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अपन कर लेंगे माइनस बी जो है -1 और प्लस माइनस हमारे बी स्क्वायर कितना है ना √(1² - 4ac)/2 and c = -528। बच गया, अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता, आप देखिए ये प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होता, तो वन से माइनस होता नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर तो नो रियल रूट आ जाता है। वो अगर ये माइनस है सो इट बिकम्स नाउ ए रियल रूट, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज 2a, 2 × 1, 2 × a, 2 × 2। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, सो ये कितना है नाउ 528 × 8। सो 528 × 8 ये कितना हो गया, 4225 और इसकी जो रूट है 65। सो दिस बिकम्स नाउ -1 + -√(4225/4). So this becomes -1 + -65, इसका अगर रूट निकालेंगे तो दिस बिकम 65/4। ठीक है, यानी कितना हो गया, एक हो गया 64/4, इज प्लस एंड अनदर इज -66/4। यानी इसकी जो रूट आएंगी दो आएगा, एक हो गया +64/4, अनदर इज -66/4। यानी ये हो गया 16 एंड अनदर विल बी -33/2, अनदर विल बी -33/2।
ठीक है। तो आप देखिए कितना सिंपल हो गया, कितना इजी हो गया, नहीं तो हम इसको एलसीएम करके फिर उसको मिडिल टर्म को देखते कहां पे आगे जाके वो ब्रेकअप में हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये रूट रियल है कि नहीं है, आपको स्क्वायर मेथड में चेक करके बताइए कि भाई इसकी रूट क्या होगा। ग्राफिकल प्लॉट में जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म को हम जो बड़े बड़े नंबर है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, मैं पहले ही बोला था कि बहुत बड़ा बड़ा फ्रैक्शन है, आपको शायद वहाँ पे नंबर को आपको याद नहीं आएगा, मिडिल टर्म को इजीली बाइफरकेट करके आपको रूट निकालने के। सो इट कुड बी वेरी इजी है थॉट इन क्वांटिटेटिव इक्वेशन कि भाई इसमें इमिडिएटली डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल के रूट निकाल लीजिए, वेरी इजी एंड सिंपल दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल डिस्कस सम अदर प्रॉब्लम इन डिफरेंट वीडियो। थैंक यू।